फाइनली सिंघम अगेन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में, इंडियन सिनेमा तो छोड़ो पूरी दुनिया के हिस्ट्री में पहला ट्रेलर होगा जिसका वॉच ड्यूरेशन है 5 मिनट, मतलब कि 4 मिनट 50 सेकंड के आसपास है। तो तुम अगर इसके ट्रेलर को देखना चाहते हो तो पूरा ध्यान लगाकर देखना, और टाइम तो चाहिए ही देखने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे इस वीडियो को कंप्लीट कर लो जिससे कि तुम्हें ट्रेलर समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 4 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर में ऐसा क्या है कि रोहित शेट्टी को इतना बड़ा ट्रेलर बनाना पड़ा? तो जिस टाइम पे मूवी के अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद न्यूज आ रहे थे कि इसकी स्टोरी थोड़ा बहुत रामायण से इंस्पायर्ड होगी। अब ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है कि वे कॉप यूनिवर्स की मूवी में, एक चोर पुलिस वाली मूवी में रामायण कैसे आ सकती है, जिसका क्वेश्चन आज हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल चुका है। जहाँ पे रामायण को किस तरह से इसके मूवी में प्रेजेंट किया गया है उसको जानने के लिए तुम्हें पहले मूवी की स्टोरी जाननी होगी। तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग अपने बाजीराव सिंघम और दिव्या प्लेड बाय करीना कपूर, वो अभी एक मैरिड कपल है और उनका 17-18 साल का एक बेटा भी है। जहाँ पे हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि शुरुआत में ही दिव्या का कोई किडनैप कर लेता है और उनको बचाने के लिए ही सिंघम, मतलब कि अपने बाजीराव सिंघम निकलते हैं। जहाँ पे इस जगह पे रामायण को इस तरह से फिट किया गया है कि अपने अजय देवगन प्रभु श्री राम है, यहाँ पे दिव्या मतलब कि माता सीता को रावण ने किडनैप कर लिया है और उनको ढूंढने के लिए प्रभु श्री राम निकलते हैं। और जैसे कि राम जी को भी पता नहीं था कि माता सीता को किसने किडनैप किया है, उसी तरह अजय देवगन को भी नहीं पता कि दिव्या को किसने उठाया है, जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा क्लू निकाल के सिटी सिटी घूम के पता लगाते हैं कि उनको किसने किडनैप किया है। और जिस तरह राम जी को हनुमान, लक्ष्मण और भी एक्सेट्रा कैरेक्टर्स ने मदद किया था, यहाँ पे भी ठीक उसी तरह बहुत सारे एक्टर्स मिलते हैं अलग अलग सिटी में जो कि उनकी मदद करते हैं, लाइक टाइगर श्रॉफ जो कि मूवी के अकॉर्डिंग लक्ष्मण होने वाले हैं, उसके बाद रणवीर सिंह जो कि हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं, मतलब कि हनुमान जी की तरह अपने बाजीराव सिंघम की मदद करने वाले हैं। जिसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे कि अपने दया भाव, दीपिका पादुकोण, सूर्यवंशी, अक्षय कुमार, और हाँ रावण को जो रोल प्ले करने वाले हैं, मतलब कि मूवी का जो मेन विलेन होगा वो है अर्जुन कपूर। अब अर्जुन कपूर के ज्यादा सीन्स नहीं थे, 2-3 सीन ही थे और कुछ डायलॉग्स थे जो कि मैं बहुत ही अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक ही थे। अब अर्जुन कपूर को एज ए विलेन अपने आप को प्रूव करने के लिए 2-3 डायलॉग और थोड़ा बहुत स्माइल देने से नहीं होगा, उनको एज ए विलेन, एज ए प्रॉपर विलेन अपने आप को साबित करना होगा और ऑडियंस के अंदर उनका जो इमेज है उसको सुधारने के लिए उनको थोड़ा बहुत अच्छा एक्टिंग नहीं, बेटर से भी बेटर एक्टिंग करनी पड़ेगी। और कुछ लीक पोस्टर्स भी है जिससे कि शायद हमारे जो चुलबुल पांडे है सलमान खान, उनका ही मूवी में कैमियो हो सकता है, जहाँ पे सलमान खान का कैमियो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड शायद हो सकता है, क्योंकि दबंग में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि सिंघम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, तो सलमान खान को एज ए चुलबुल पांडे मूवी में कैमियो करवाना मेरे लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाकी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ट्रेलर, क्योंकि तो इस ट्रेलर में सब कुछ मिल जाता है, मूवी में एक्शन है, कॉमेडी है, थोड़ा बहुत रोमांस भी है, और ऑफ कोर्स ऑल बॉलीवुड इन दिस मूवी। बाकी तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए टू सब्सक्राइब।